सिंगापुर में काम करना है और हम काम कर रहे हैं सिंगापुर में काम करने के लिए, हमें कैसे आपको जॉब ढूंढनी है? तो मैंने ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर, मैंने आप देखोगे मेरे चैनल की वीडियोस, तो एजेंसीज की डिटेल डाल रखी है, आप वहाँ पर जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। और सिंगापुर में जॉब लेने का तरीका और भी है, फ्रेंड सर्कल है या आपका कोई रिलेशन में है तो भी वो अप्लाई कर सकता है। अब सिंगापुर में किस तरह के वीज़े होते हैं, कितने होते हैं, मेरे चैनल की वीडियो को देख रहे हैं। लेकिन आज मैं जो मैं बताने वाला हूँ, एक सवाल पूछा था कि सर सिंगापुर में जॉब कर रहे हैं, हमें चेंज कंपनी करनी है तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगी, तो आज हम इसमें बात करेंगे। तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, या YouTube की रिकमेंडेशन से आपने चैनल देखा है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन, फ्यूचर में आने वाली वीडियो के लिए आपका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो अब बात करते हैं कि भाई सिंगापुर में जॉब चेंज के लिए कैसे। देखो, अगर आप स्टडी वीज़ा पर है तो आपको जॉब चाहिए, तो आप अपने जो स्टडी वीज़ा आपका ख़त्म होने वाला है 3-4 महीने बाद, या आपकी OJT चल रही है 3-4 महीने बाद, तो आप अपने एम्प्लॉयर को देख कर, किसी एम्प्लॉयर को देख कर अपने डॉक्यूमेंटेशन लगा सकते हैं। लेकिन किसने बोलता कि सर हमारे को कंपनी अच्छी नहीं लग रही है लेकिन हमें चेंज जॉब करनी है, तो कैसे क्या करेंगे? तो देखो, ऐसा है, कुछ लोग कंपनी, आपका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है वर्क परमिट पर, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप अपने 2 साल नियरली आप अपने ख़त्म करें और अपनी जॉब को दूसरे एम्प्लॉयर के पास चेंज करें। लेकिन वर्क परमिट की जो चेंज एम्प्लॉयर होता है उसका भी सीधा सा ही होता है हिसाब किताब, आपको अपना दूसरा एम्प्लॉयर ढूंढना है, और आपका जैसे ही अप्लाई के लिए डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे, तो वर्क परमिट वालों में थोड़ी सी दिक्कत है कि आपको अपनी कंट्री वापस जाना पड़ता है को नया परमिट लेने के लिए। वर्क परमिट वालों के लिए बता रहा हूँ, अगर आप एस पास पर हैं, एम्प्लॉयमेंट पास पर हैं, तो आप चेंज एम्प्लॉयर बहुत आसानी से कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो उसमें जैसे अगर आपका एस पास पर आप काम कर रहे हो, तो आप दूसरे एम्प्लॉयर आपके लिए फाइल करेगा, जैसे ही वहाँ से IP अप्रूव हो जाएगा, आपका जो इधर एस पास, आपको कैंसिल करवाना पड़ेगा अपने बॉस से कहकर, या अपने एम्प्लॉयर से कहकर, या अपनी कंपनी से कहकर। जब आपका यहाँ से, तो आप वहाँ जाके दूसरी ज्वाइनिंग कर सकते हो और कार्ड दूसरा मिलेगा। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। एम्प्लॉयमेंट पास भी इसी तरह से, कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट पास काम करो, कोई दूसरी कंपनी आपको हायर करना चाहती है, वो अप्लाई करेगी आपके लिए, जैसे ही अप्रूव हो जाएगा तो आपका ओल्ड एम्प्लॉयमेंट पास आपको कैंसिल करवाना पड़ेगा, जो आपका एम्प्लॉयर या आप दोनों मिलकर MOM से रिक्वेस्ट करके कैंसिल हो जाएगा और आप दूसरी जगह काम कर सकते हैं। ये चीज़ें होती हैं। लेकिन वर्क परमिट में थोड़ा ऐसा है कि आप अपने, जब आपका परमिट आएगा, आपको एक बार अपनी यहाँ से सिंगापुर से इंडिया 1 दिन या 2 दिन के लिए जाना पड़ेगा, फिर आप वापस एंट्री इमिग्रेशन क्लियर करके आप इधर आ सकते हो। जब आपका नया IP आ जाएगा, आप इस वीज़ा पर आ सकते हो। इस तरह से वर्क परमिट की प्रॉब्लम। अब चेंज द एम्प्लॉयर आपको यहाँ पर इतनी दिक्कत नहीं होती, जैसे क्योंकि आप जब कंपनी में काम करते हो, आपके यहाँ फ्रेंड सर्कल्स वगैरह होते हैं, जब आपको वैकेंसीज पता लगती है, आप इंटरव्यू वगैरह दे सकते हैं, तो चेंज जॉब में इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट जॉब में थोड़ी सी दिक्कत आती है कि पहली बार जॉब हम विदेश में कैसे लें, तो मेरे चैनल की जाके वीडियोस को देख लो, एजेंसी डिटेल वगैरह सब कुछ दे रखी है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।